तुम्हारे नंबर 90+ आते हैं या फिर तुम्हें पसंद है कि मैं इनमें से कौन सी सिचुएशन में हूँ। तो 9th 10th से 11th 12th की प्रिपरेशन शुरू कर देते कि वो करियर अच्छा है और तुम उस करियर में अच्छे हो, इनमें बहुत फर्क है। आई नो तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी और चीज़ पे डिस्कस करने का, इसलिए मैं काफ़ी छोटी रखूंगा वीडियो को। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस दुविधा में आजकल चार सिनेरियोस चल रहे हैं बच्चों के जो 10th क्लास में होंगे। सबसे पहला ये कि तुम्हारा गोल क्लियर है पर सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, कि तुम्हें पता है तुम्हें करना क्या पर सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। दूसरा क्या है कि तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है पर सब्जेक्ट्स क्लियर है, मतलब तुम्हें यह नहीं पता कि तुमने करना क्या पर तुम्हें पता है ये सब्जेक्ट्स में अच्छे से आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट है। तीसरी चीज़ कि तुम्हें दोनों ही क्लियर है, एंड लास्ट में चीज़ आती है कि तुम्हें दोनों ही क्लियर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ शोभी निर्वाण के चैनल पे मैंने सबसे पहले देखी थी, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम फॉर दिस। एंड अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये गोल और जो सब्जेक्ट्स है इनको अलाइन कैसे करें, मैंने कहा था इस वीडियो में सिर्फ हम यही करेंगे। सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं, इनमें से कोई चार ही हो। पहले तो ये पकड़ो कि तुम इनमें से कौन सी सिचुएशन में हो। ठीक है, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करो, फोन बंद करो, कुछ भी करो, पर सोचो एक बार कि मैं इनमें से कौन सी सिचुएशन में हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा ये क्या है कि तुम्हारा गोल क्लियर है पर सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। अगर तुमने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी, उसमें मैंने तुम्हें जनरल आइडिया बताया था कि देखो ये जो करियर तुम डिसाइड नहीं कर रहे अभी, सिर्फ एक्सट्रीम डिसाइड कर रहे हो जो कि तुम्हारा कुछ हद तक नियर फ्यूचर इंपैक्ट करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी ही बिल्कुल मतलब बदल देगी, रास्ता बदल देगी, बट एंड गोल तुम बदल सकते हो बाद में भी। ऑलराइट, तो करियर इजेंट लाइफ, ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था, एंड थोड़े बेसिक समझाए थे, अगर तुमने नहीं देखी है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या कि ये जो गोल और सब्जेक्ट्स, तुम्हारा गोल क्लियर है तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल तुमने IAS बनना है या फिर तुमने कुछ सोचा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देते हैं IAS या डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए तो सिंपल है कि तुम्हें PV फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लेनी है, इंजीनियर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी है, IAS। अब IAS में थोड़ा ऐसे दुविधा बचती है कि IAS में यार मैं मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, क्योंकि उसमें चारों में से जा सकते हैं। ठीक है, बस ये क्राइटेरिया कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगर तुमने ऐसा सोचा है, इसमें क्या है, या तो तुमने प्लान अपना एक साइड प्लान बनाना है, या फिर थोड़ा रिस्क लेके तुम कोई पर्टिकुलर ऐसा कह सकते हो कि ईजी कर सकते हो। तुम कहोगे रिस्क इजी कैसे हो सकता है, इजी नहीं। देखो साइड प्लान में क्या कि तुमने लेट्स से JEE निकालना है, फिर तुम मतलब IAS का सपना है, पर पहले तुम कहोगे कि मैं JEE से जाऊंगा। ठीक है, तो तुम नॉन मेडिकल लेके पूरा BTech कर रहे हो 4 साल की, या फिर तुम कर सकते हो कि मैं इजी थोड़ा चुनूंगा, इजी इन द सेंस कि जो मुझे उन सब्जेक्ट्स पे या फिर उस गोल पे ध्यान फोकस करने पे आसानी दे, विच मीन्स कि तुमने आर्ट्स ले ली। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स बकवास है या कुछ, बट आर्ट्स में एक ये चीज़ प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयरटिवली। तो आर्ट्स तुमने ले लिया एंड अब तुम कर रहे हो कि जी चलो मैं मतलब आर्ट्स लेके अब तुम IAS पे ही ध्यान दे रहे हो 11th 12th में भी, उसके मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो एंड सब कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें ध्यान उस पे देगा। तो सबसे ईजिएस्ट रास्ता तुमने चुन लिया, इन दोनों में से तुम कुछ भी कर सकते हो। गोल क्लियर नहीं है पर सब्जेक्ट क्लियर है, ये सिंपल है। अब अगर तुम्हें सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है, या तो ऐसा है ना कि भाई मुझे साइंस भी पसंद है, मुझे मैथ्स भी पसंद है, ये पसंद इन द सेंस दो चीज़ों में, तुम्हारे नंबर 90+ आते हैं या फिर तुम्हें पसंद है, तुम उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैथ में काफ़ी बार होता है मेरे साथ, एंड तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक बार करने बैठो तो फिर वो होता ही रहेगा, चलते रहो। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि हर सम पहली बार में निकलेगा, बट चलते रहो। कोई चैलेंज आ रहा है, नहीं निकल रहा, उसको 2-3 बार करके देखो, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, वो मज़ा आता है। तो अगर तुम्हारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो उसमें रिसर्च करो। उसमें तुम्हें सिंपल एक चीज़ करनी है, रिसर्च। अब रिसर्च क्या करनी है, तुमने गूगल पे जाओ, ये करो, वो करो, यूट्यूब पे जाओ, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट्स है उन पे देखो करियर ऑप्शंस। ठीक है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी है उन सब पे करियर ऑप्शंस चुनने लग जाओ। ऐसा नहीं है यार सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं या फिर सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि PCM ले ली तो सिर्फ इंजीनियर ही बनोगे, भाई तुम साइंटिस्ट बन सकते हो, तुम NDA में जा सकते हो, तुम नेवी वगैरह में काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, एक्सप्लोर करने की दे रही है। बस अपने दोस्तों वगैरह से मत पूछना, मतलब वो तो खुद एक डिलेमा में है, बट अपने से सीनियर से तुम पूछ सकते हो जो थोड़े सही लगे तुम्हें, कजन्स वगैरह जो हैं उस फील्ड में। तीसरा केस कि भाई तुम्हारा गोल भी क्लियर है और सब्जेक्ट्स भी क्लियर है। अब इस केस में यार तुम ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते, अगर तुम्हारा क्लियर ही होता, मतलब देख रहे हो तो आई डोंट नो तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें इसकी अगली वीडियो की ज़रूरत होगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या चुने अगर दोनों चीज़ें क्लियर हैं, एंड उसके बाद मैं बनाऊँगा कि यार स्कूल कौन सा चुने। ठीक है, लास्ट केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है भाई, कि भाई मेरा सब्जेक्ट्स भी क्लियर नहीं है, गोल भी क्लियर नहीं है, एंड हमें लगता है कि ये कौन होगा, किसी कुछ ना कुछ तो पता ही होता है, भाई नहीं पता होता।
तुम अभी 10th में हो, अगर तुम कन्फ्यूज हो ठीक है कि मेडिकल नॉन मेडिकल या फिर कॉमर्स आर्ट्स, मोस्ट लोग या तो इन दोनों में कन्फ्यूज होंगे या फिर इन दोनों में कन्फ्यूज होंगे, या फिर बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि पर तुम इनमें भी कन्फ्यूज हो सकते हो। ये तीन ब्रैकेट्स निकलते हैं, तुम मेडिकल में तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट बहुत होगा ठीक है, तो अगर तो तुम रेडी हो, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा ठीक है, अगर अच्छे डॉक्टर बनते हो मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सैलरी वगैरह सब सही है, बट तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम 2 से 3 साल करोगे क्योंकि मेजॉरिटी लोग ड्रॉप लेते हैं, 5 साल लगा लेते हैं कि MBBS हो गई, उसके बाद तुम्हारा 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद तुम्हारी स्पेशलाइजेशन करनी है उसके अलग, तो भाई ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तुम्हारे लग रहे हैं एटलीस्ट ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारे 10 साल अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे ठीक है। वो ड्रॉप वगैरह कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार 2-2 साल ड्रॉप लेते हैं लोग, बट हम अप्रॉक्स लगाते हैं कि 10 साल लगेंगे ठीक है, 10 साल तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा नॉन मेडिकल, अब नॉन मेडिकल में ऐसा नहीं है तुम 2 साल पढ़ते हो, बहुत कम केसेस में 3 साल ठीक है, मतलब ड्रॉप लेते हैं बच्चे बट कम लेते हैं ठीक है, कंपेरेटिवली मतलब MBBS के लिए लोग ज़्यादा लेते हैं, 2 से 3 साल तुमने ड्रॉप लिया, उसके बाद तुम्हें 4 साल पढ़ना है तो हो गया तुम्हारा, उसके बाद हाँ हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो ऑब्वियसली, उसके बाद काफ़ी लोग MBA के लिए चले जाते हैं, वो सब चीज़ें अलग है, बट जॉब तुम्हें इसके बाद मिल जाएगी ठीक है, तो 6 से 7 साल में तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तो जस्ट यू हैव टू थिंक कि 10-11 साल पढ़ना है या 6-7 साल ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम सब ये इस पे चूज़ करो, PCMB दोनों साथ में लेनी चाहिए या नहीं, ऑप्शनल वाले में बात करेंगे एंड या तो बायो तुम्हें पता है क्या होता है, मैथ क्या पता है क्या होता है, दोनों में से डिसाइड करो इनके बेसिस पे। उसके बाद आती कॉमर्स या आर्ट्स, अब कॉमर्स या आर्ट्स, कॉमर्स अगर तुम गुड विद नंबर्स हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें बहुत बहुत भारी मैथ्स आएगी, मतलब अगर तुम मैथ्स लेते हो तो आएगी, बट अकाउंटेंसी वगैरह में मैथ्स आएगी बट इतनी नहीं आएगी, पर उसमें नंबर्स बहुत होंगे ना, तुम्हें फिल करना है, बैलेंस शीट वगैरह भरनी सब करना है, तो उसमें गुड विद नंबर्स हो तो तुम्हें कॉमर्स में जाओ। अगर तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है इन द सेंस कि थोड़ा खुशी मिलती है एंड ऑल, खुशी इन द सेंस ऐसा नहीं कि सोशल वर्क ही करते रहो पूरी ज़िंदगी, बट हाँ इंटरेक्शन मज़ा आता है वगैरह, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट्स वो तो तुम वैसे किसी में भी ले सकते हो, बट क्या कहते हैं साइकोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स थोड़े इसमें ज़्यादा होते हैं एंड यू नो इसमें इंटरेक्शन, जैसे लॉयर वगैरह बन सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो उसमें थोड़ी इंटरेक्शन ज़्यादा है। ह्यूमन इंटरेक्शन, आर्ट्स एंड गुडविल नंबर्स, कॉमर्स, इनमें से समझ जाओ। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि इसमें तुम्हारा जियोपॉलिटिक्स वगैरह आ सकती है, मतलब ज्योग्राफी आ सकती है एंड तुम्हारा हिस्ट्री वगैरह आएगी, लीगल स्टडीज़ के मतलब सब्जेक्ट्स तुम्हें चूज़ करने होते हैं, इसमें तुम्हारे वही होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ऑप्शनल कोई भी, चलो ये हो गया। परसेंटेज वाला तो मैंने कीड़ा तुम्हारे अंदर से निकाल दिया था अपनी पिछली वीडियो में, कि ऐसा नहीं है कि 90 प्लस आए तो मैं मेडिकल लूँगा, इतने कम आए इतने, नहीं ये नहीं, बट अब पर्टिकुलर मार्क्स की बात करते हैं, जो हमने सोचा था, जो तुमने सोचा है कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे तो मैं ये सब्जेक्ट लेता हूं, फ़ायदा है, नहीं ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। 10th और 11th के पहले दो सब्जेक्ट से बहुत फ़र्क होगा ठीक है, बहुत फ़र्क होगा, तो जो सब्जेक्ट में ऐसा है गूगल करो, यूट्यूब पे देखो, देखो बुक लेने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस तुम्हारे भाई भाई के पास है तो घर पे एक बार पढ़ पढ़ के देख ली, यूट्यूब पे लेक्चर सुनो मज़ा आ रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, वो सब्जेक्ट तुम्हें इतना नहीं है। अगर इंटरेस्ट पड़ रहा है और लेक्चर देख रहे हो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तो कर लो। अब तुम कहोगे भैया मैं 11th के कैसे पढ़ सकूँ, भाई 10th खत्म होने लगी अभी 11th के ही पढ़ना है, एंड मेजॉरिटी बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा सब, बट जिन्होंने JEE वगैरह देना वो काफ़ी बच्चे होते हैं जो 9th-10th से 11th-12th की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो भाई अब स्पीड अप करना है ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा कि मार्क्स पर डिपेंड मत करना कि भाई मेरे मार्क्स अगर इस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए हैं तो वो, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 के तुमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अभी तुम ऑनलाइन क्लासेस के युग में हो, तुम डर रहे हो कि पेपर होंगे नहीं होंगे, मेजॉरिटी ऑफ यू तो यही है ठीक है, तो ऐसा नहीं है तुम्हारे नंबर कम ही आने हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ नहीं, बट अगर कम भी आए तो ऐसा नहीं है कि मैं ये सब्जेक्ट कर नहीं सकता, बिकॉज ऑप्शन ए तुमने पढ़ा ही नहीं था या ऑप्शन बी तुम्हारे काफ़ी हद तक वो सब्जेक्ट ही नहीं था। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो काफ़ी स्कूल्स में ये सारे, मतलब कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाई, कभी बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ाई और कभी इकोनॉमिक्स, मतलब कभी किसी किसी स्कूल में होता बट मेजॉरिटी में नहीं होता, तो ये सब सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए हैं, तो तुम्हें अगर पता ही नहीं है बीच में क्या है साइकोलॉजी क्या है, हमें क्या पता, मतलब हाँ ऐसा थोड़ा बहुत डेफिनेशन पता है बट एग्जैक्टली क्या होगा तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कि वो करियर अच्छा है और तुम उस करियर में अच्छे हो, इनमें बहुत फ़र्क है। करियर सारे ही अच्छे हैं, मेजॉरिटी वंस, लीगल वंस, तुम उस करियर में कैसे हो, दैट मेक्स द डिफरेंस। अगली में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखेंगे, ये समझ लेना, घर वालों को समझा देना अगर समझते हो तुम्हारी बात, कि भाई काफ़ी बार होता है यार कि ये सब्जेक्ट तो होता ही नहीं हमारे स्कूल में, फिर उसकी वजह से हमें सब्जेक्ट्स कोई और चूज़ करना पड़ता है, कोई मुश्किल वाला चूज़ करना पड़ता है जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा एंड फिर पंगे शुरू हो जाते हैं।